मोबाइल भी गया और दर्शन भी नहीं हो पाए। इतना मूड खराब हो गया था, मेरे को लग रहा था यार अब तो वापस ही चलते हैं। अब मंदिर में मोबाइल ले लिया, यहाँ ड्रोन खो गया। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है अपनी एक और सोलो ट्रिप के लिए। सुबह के अभी बज रहे हैं 5:15, तो चलिए बस इतना सा ही सामान है, फटाफट बेंगलोर क्रॉस कर लेते हैं। भाई फटाफट चलते हैं, फटाफट बेंगलोर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सुबह इसलिए जल्दी निकलता हूँ ताकि ट्रैफिक ना मिले। गाड़ी अपनी गाड़ी, चलिए। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है अभी ना, सबसे पहले बेंगलोर से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं ही छाना हूँ। सबने प्लान किया होगा कि सुबह सुबह निकल लो, तो इसलिए भीड़ बढ़ती चली जाएगी। अपनी डेस्टिनेशन है ना, वो है 334 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 6 घंटे, ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे लग जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें अभी मेरे को एक ब्रेक भी लेना है। पूरे बेंगलोर में ना मेट्रो का काम चल रहा है दबा के, स्पीड से काम हो रहा है। मैंने एक चीज नोटिस की है कि जैसे ये लोग पिलर गाड़ते हैं ना, फटाफट उसको ये साइड में रेलिंग हटा के और रोड बना देते हैं ताकि लोगों को ना प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत अच्छा काम है यार, बट यह है कि इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा क्या, मुझे लग रहा है काफी ट्रैफिक में फर्क पड़ना चाहिए यार। पूरे बेंगलोर में इन्होंने मेट्रो का जाल बिछाना शुरू कर दिया फटाफट, बस ये जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाए ना इसका। और जिस दिन मेट्रो चल जाएगी बेंगलोर में काफी ट्रैफिक की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो अभी मैं इतनी तारीफ कर रहा था, देखो सुबह सुबह कितना ट्रैफिक है। अरे भैया जाने दे, इससे तो पीछे रखता है, इनको दिखता नहीं ना साइड का, इतना नीचे का। पता नहीं ट्रकों में कब आएगा 360 डिग्री कैमरा। क्या हो गया यार सुबह सुबह, हाँ क्यों ट्रैफिक लग गया, या तो कोई गाड़ी का ब्रेक डाउन हुआ होगा। चलो 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 चलो, अरे यहाँ डाइवर्ट कर रखा है शायद। अभी जस्ट ना मैं सिल्क बोर्ड क्रॉस कर रहा हूँ, और अभी मुझे लग रहा है हाँ सामने ना इंफोसिस फ्लाईओवर से जाएंगे हम लोग। तो पहले ना जब मैं जॉब सर्च करता था तो मैं इधर ही रहता था, ये तुम्हारे इधर राइट में, इसके अंदर जाके ना पीजी हैं बहुत सारे। ये देखो भाई इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेलम कन्याकुमारी, इतनी दूर तो नहीं जाना, बट हाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्रॉस करनी है। हेलो सुपर बाइक भाई, देखो इसने अपनी नंबर प्लेट कहाँ लगाई है। साहब घूमने निकल जाते हैं, ये अपना इंफोसिस फ्लाईओवर, ये बहुत लंबा फ्लाईओवर है, यहाँ से सीधे चढ़ेगा ऑलमोस्ट सिल्क बोर्ड से ही चढ़ता है और सीधे उतरता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अभी देखना कितना लंबा निकलेगा, मीटर में हो रखे हैं अभी 27.4, उसके बाद दिखाता हूँ क्रॉस करने के बाद कितने किलोमीटर का है। ये तो बहुत जल्दी में थे, ये हाइट पे है ना काफी, तो बड़े बहुत सही लगता है मतलब यहाँ से देखने में, बिल्डिंग देखना साइड में चारों तरफ कैसी लगेगी यार। इसमें 30 की स्पीड है, लोग इतनी तेज क्यों जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को, 30-60 यही स्पीड है, और जा 100-150 पर हैं। पूरा नीचे का ट्रैफिक
लो भाई, अपनी जर्नी का पहला टोल आ गया। ये ना फ्लाईओवर खत्म होते के साथ ही है, और ये जो है ना तुम्हारा है 36 किलोमीटर, 27 पर शुरू किया था ना, हाँ 9 ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर का है। ट्रैफिक देखो यार, क्या भयंकर ट्रैफिक है। हाँ तू निकल ले पहले, तू निकल जा टोल में पहले सबसे। इसलिए तो मैं सोच रहा था और थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। इस वाले रूट पे बहुत ज्यादा भीड़ है, चिकमंगलूर गोवा इधर इतनी भीड़ नहीं है। आज सब पौंडीचेरी जा रहे हैं क्या? ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ना चारों तरफ तो हाहाकार मची पड़ी है मानसून की वजह से। इतने सारे तो ट्रक ही ट्रक है। अरे भाई अपनी अपनी लेन में चल लो, एक दूसरे की लेन में घुसने दें यार। ये बड़ा है भाई दूसरा टोल। पहला तो वो इंफोसिस फ्लाईओवर वाला पड़ा था, अब ये दूसरे वाला टोल है। और अभी पौंडीचेरी दिखा रहा है तुम्हारा 4 आवर्स 38 मिनट्स, 285 किलोमीटर है, और अराइवल टाइम है 11:16 सुबह के। चलो 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 ट्रक वालों, मैं अब तक 70 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ, और देखते हैं अभी खाने का ऑप्शन क्या मिलेगा, क्योंकि 7, अभी तो 7 ही बजे हैं यार। 8 बजे तक करूंगा ब्रेकफास्ट ना, तब तक ऐसे को सामने माउंटेन्स कैसे दिख रही हैं अभी देखना, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है सामने। गोप्रो को पता नहीं क्या हो गया अपने आप ही, अभी मैं ट्राई कर रहा था ऑन करने का, ऑन नहीं हो रहा था, अब अपने से ऑन हो गया। सामने देखो कितना मस्त व्यू है। लेकिन इस रोड पे एक चीज मैंने नोटिस की ना, लोग बड़े मतलब रैश ड्राइविंग कर रहे हैं यार, पता नहीं क्यों, पागलों की तरह चल रहे हैं, एकदम चिपका चिपका के, और एकदम पास पास से निकल रहे हैं, और एकदम आफत मची हुई है कि भागो भागो, पता नहीं कहाँ जाना है सबको। घूमने जा रहे हो तो आराम से जाओ। ये लो भाई ये देखो ट्रैफिक देखो, ये पक्का डाइवर्जन हो रखा होगा, उसकी वजह से ट्रैफिक इतना। जब तक ट्रैफिक लगा हुआ तब तक अंदर दिखाया था। ये देखो मैंने अपना मंचिंग के लिए यहाँ पे नाचोज और थोड़ा सा नमकीन एक बॉक्स में रखा हुआ है, और पीछे अपना सामान पड़ा हुआ है सारा, कैमरा बैग और मेरा, इसमें मैंने डाला हुआ है ड्रोन। बेसिकली इसको जब भी कहीं उतरूंगा तो इसको साथ रखूंगा, ताकि कुछ स्टिक वगैरह भी सब इसी में रखूंगा। और ये देखो भाई पीछे भूख सी लग रही है ना, तो अभी ये खा थोड़े से चिप्स वगैरह खाता हूँ। गाड़ी एकदम धीरे धीरे चल रही है अभी, ये देखो चिपक चिपक के चल रहे हैं लोग भाई, किसी किसी को तो बहुत ही जल्दी है। ये देखो मेरे साइड में भी ये गाड़ी आ रही है, पता नहीं कौन सी लेन में चल रहा है, भगवान जाने। माइक लगाया, कचर कचर आवाज आएगी अंदर। मैं तो हिले नहीं चलता हूँ, इतनी आफत में जाने की जरूरत नहीं है। भाई क्या सुंदर लग रही है सामने, देखना माउंटेन, और देखो रोड कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सीनिक है यार रूट इसका। और मैंने एक और चीज नोटिस किया इस वाले पे ना, इस वाले रूट पे काफी खाने के ऑप्शन है, जैसे चिकमंगलूर गोवा वाले में उस रूट पे गया था तो वहाँ खाने का नहीं है, मोस्टली लोकल ही है। यहाँ पे देखो मैकडी, पीछे केएफसी भी था, स्टारबक्स भी था, तो इस वाले पे ऑप्शन बहुत है खाने के लिए। भाई सनराइज हो चुका है और अपना चश्मा लगा लिया क्योंकि अंदर सनलाइट आ रही है दबा के। अभी ना एकदम एक सुपर बाइक का गैंग निकला बहुत तेज मस्त, तो पता नहीं कौन सी बाइक थी, भगवान जाने, पूरा एकदम शोर मचाते हुए हूं करते हुए निकले। चलिए मस्त मस्त व्यूज आने शुरू हो गए हैं, मजा आ रहा है रोड पे ना गाड़ी चलाने में, रोड भी अच्छा है। और बेंगलोर के आसपास ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी, अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। भाई हो बड़े वाले हाईवे तो हो गए हैं अब क्रॉस्ड, अब ये सिंगल रोड आ गया है,
लग रहा है इस पे ही चलना है काफी दूर तक। पहले मैं जब आया था ना, एक बार आ चुका हूँ वैसे, मैं पांडिचेरी जा चुका हूँ, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था, पहले मैं गया था चेन्नई, चेन्नई से फिर मैंने ड्राइव किया था, पहले बेंगलोर से चेन्नई ड्राइव करके गया और चेन्नई से फिर गए थे हम लोग पांडिचेरी। इस इधर के रास्ते का मुझे आइडिया है नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। चलिए बाकी ये देखो पहाड़ी वाड़ी व्यूज तो स्टार्ट हो गए, यहाँ पे मस्त लग रहा है सामने, ये देखो एवरेज देखना गाड़ी का 19.2। यूजुअली क्या होता है ना, मैं चलाता हूँ स्पोर्ट्स पे तो एवरेज आता है, एवरेज अच्छा नहीं होता उस पे, पावर ज्यादा रहती है लेकिन एवरेज बेकार आता है। और लेकिन अभी मैं ये चेंज ही करना भूल गया मोड, तो सिटी में चल रहा था, सिटी मोड पे चलते चलते देखो कितना एवरेज आया, बढ़िया एकदम। अब वैसे मैं इस पे सिटी में चला रहा हूँ, धीरे ही चलना है, कहीं भागना तो है नहीं इतनी देर तेज जाने। सही मस्त रोड मिला मेरे को, मैंने फोटो वोटो क्लिक कर रहा था, देखो सामने ऐसे जंगल टाइप है साइड में, और इसके अंदर से हम लोग निकल रहे हैं। अभी बचा हुआ है 209 किलोमीटर, और घंटे दिखा रहा है 3 घंटे 18 मिनट। अभी तो मैंने ब्रेक भी नहीं लिया, तो मुझे लग रहा है आधा घंटा तो वो खा जाएगा। ये देखिए रोड बहुत अच्छा है यार, बेंगलोर टू पांडिचेरी के लिए रोड बहुत सही है, रोड की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। मैं चल भी नॉर्मल स्पीड से रहा हूँ, ज्यादा भगा भी नहीं रहा, नॉर्मल स्पीड से 80-85 बस उतना बहुत है। स्मूथ ड्राइव है बहुत ज्यादा। बिल्लाकोट्टी पहुंच गया भाई, रोड देखो एकदम खतरनाक बने हुए यार। बस बैंगलोर से जब निकल रहे थे ना, तब थोड़े बहुत डाइवर्जन थे और थोड़ा बहुत रोड वहीं खराब है, क्योंकि वहां पे भी काम चल रहा है, वरना तो रोड बहुत जबरदस्त बने हुए हैं यार। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में भाई, सामने व्यू देखो यार क्या सही व्यू है, भाई 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग के लिए रुका हूँ यार। सुबह मैं निकला था सुबह 5:30 बजे, और अभी 8:30 से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, मोर देन 3 आवर्स हो गए मेरे को ड्राइव करते हुए। वाटर वाले वाटर वन रोड पे गाय लेके घूम रही है। क्या डिस्टेंस है तो भाई, अभी बचा हुआ है 131 किलोमीटर और 2 घंटे 11 मिनट दिखा रहा है। सबसे पहले तो मैं कहीं पे ना रुक के ब्रेकफास्ट करूंगा, अभी कहीं भी कोई भी शॉप मिलते हैं वहीं रुक जाऊंगा, वहीं खा लूंगा।
अच्छे अच्छे के चक्कर में कहीं कुछ भी ना मिले, भूख ही मर जाए। तो देखो मैं कोशिश करूंगा ना कि रॉक बीच के पास रहने की, क्योंकि तो वो बहुत फेमस है वहां पे। काफी सारे बीच हैं वैसे तो, फेमस तो बहुत सारे हैं, बट रॉक बीच के पास ना रात में वॉक भी कर सकते हो। उन्होंने पूरा एकदम मुंबई की तरह बनाया हुआ है, जैसे मुंबई वाले बीचेस है ना, तो वॉक करने का साइड में ऐसे ही है वहां पे। भाई यहाँ पे रुका ब्रेकफास्ट करने के लिए, अब यहीं खा लेते हैं जो भी है। भीड़ है काफी यहाँ पे, तो इसलिए मुझे लगा सही होगा खाना तो यहाँ का। चलिए ऑर्डर किया जाए जाके, और फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। और अभी 2 घंटे अभी भी दिखा रहा है, और 124 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई अपनी इडली और ये बहुत सारा सांभर बाल्टी भर के। मस्त है, 3 इडली तो बहुत है। इसी में पॉन्डिचेरी पहुंच जाऊंगा। तो भाई साहब यहाँ तो बड़ी गर्मी हो रखी है, बेंगलोर से तो ज्यादा ही गर्म है, इसलिए गर्म लग रहा है, गर्मी हो रखी है। कॉफी पीने का प्लान तो मैंने कैंसिल कर दिया, इसलिए अपना मैंने कहा कॉफी नहीं पी पाऊंगा इतनी गर्मी में। भाई फटाफट इडली खा के, इडली अच्छी थी, ये लोकल शॉप होती है ना, इनका फूड अच्छा होता है। पानी पी लिया जाए, कॉफी की जगह पानी पी लेते हैं। वैसी बॉटल की जगह स्ट्रॉ वाली बॉटल रखी है, गाड़ी चलाते हुए यूं हो जाता है ना, वो ठीक नहीं है। या तो फिर रुक के पियो। वैसे मेरे पास डाइट कोक पड़ी हुई है, डाइट कोक भी पी सकते हैं, कोक ही काम आएगी। या तो अभी इतनी गर्मी में कॉफी तो नहीं पी पाएंगे भाई। चलिए चलते हैं, रोड बहुत अच्छा है। बस कुछ मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रोड बहुत ही प्यारा बना हुआ है, कोई कहीं भी कोई जर्क नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन बढ़िया, एकदम क्लीन रोड। और आई थिंक ये पौंडीचेरी तक ऐसे ही रहेगा, वरना सोलो में अगर रोड खराब हो ना तो भाई थक के हालत खराब हो जाएगी, फिर तो बार बार ब्रेक लो, कॉफी पियो, इसलिए सही है। Thank you.
यार बहुत टाइम लग गया, 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। अंदर लोचा हो गया था मेरे साथ, क्या भीड़ थी यार अंदर। पहले मेरे हाथ में मोबाइल था अंदर, मेन दर्शन करने के टाइम पे उनको लगा मैं वीडियो ले रहा हूँ, उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया स्वामी जी ने, अब बोले ऑफिस जाओ। तो पूरा दर्शन खत्म करके पूरा घूम घाम के पता नहीं कहाँ कहाँ से मंदिर के बाहर, पैर भी जल गए मेरे, इस रोड पे नंगे पैर भागना पड़ा। फिर मैं ऑफिस में गया, फिर एक बंदा मेरे साथ गया, लेकिन एक चीज़ अच्छी भी हो गई उसमें, फर्स्ट टाइम मेरे दर्शन नहीं हो पाए, तो मोबाइल ले लिया मेरा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर जब वो मेरे को दोबारा लेके गया मोबाइल दिलाने के लिए, तो वो VIP लाइन से लेके गया। तो देखो अब जो भी होता है, फिर मेरे बिल्कुल अच्छे से दर्शन हो गए और मोबाइल ही मिल गया। वो बोले बस कि इसमें फाइन डालो, फिर वो डाला। वो तो चलो वैसे भी दान पात्र में तो डालना ही था। चलिए गाड़ी में बैठ लें, हम चल गए भाई, बहुत गर्मी हो गई, अब सीधे पौंडीचेरी रुकूंगा, कहीं नहीं रुकूंगा और। लेकिन भीड़ बहुत थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा गर्मी में इतनी भीड़ होना, कुछ लोग की तो हालत ख़राब हो गई थी। चलिए कोई नहीं, दर्शन हो गए, चलो शिव भगवान के। भाई भट्टी बन रखी होगी गाड़ी, तो स्टार्ट कर देता हूँ पहले इसको ना। चाबी कहाँ है भाई साहब, क्या गर्मी है यार उतरी भाई, इसके अंदर नहीं रुका सकता, इसको तो पहले ठंडी होने दो। चल भाई पहले कहाँ गया, एक्सप्रेस को। भाई साहब क्या गर्मी है अंदर, भयंकर, चॉकलेट तो पूरी लिक्विड हो गई होगी। ये देखो भाई, ये लो भाई चॉकलेट, ये लो देखना, शिट पूरी लिक्विड हो गई, सोचो कितनी गर्मी है। और मेरा हाल देखो पसीने से कितना भयंकर हो रखा है यार, बहुत गर्मी है, बहुत, पता है इतनी गर्मी कैसे है। बेंगलोर में तो ऐसे हो रखा है एकदम जन्नत। चलो कोई नहीं, गाड़ी ठंडी हो जाए फिर निकलते हैं यार, अब सीधे पौंडीचेरी गाड़ी रोकूंगा, चेंज ये भी करना है मेरे को, लेकिन पैर एकदम जले जले फील हो रहे हैं, इनको ना पहले वॉश करूंगा कहीं किसी होटल रुक के ना, फिर शूज़ पहनूंगा, शूज़ गाड़ी में पीछे पड़े हुए। चलो भाई निकलते हैं यार, बहुत गर्मी है यहाँ तो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरे अभी दिखा रहा है 1 घंटे 49 मिनट और 112 किलोमीटर है, अब कहीं नहीं रुकूंगा, सिर्फ एक जगह कहीं लंच तो करूंगा, उसके बाद कहीं नहीं रुकूंगा, सीधो सीधो अगर नहीं कोई ढंग की जगह मिले तो सीधे पौंडीचेरी और कहीं नहीं, बस आज के लिए बहुत है इतने। मेरे को तो वैसे ही गाड़ी से उतरना पसंद नहीं है, बट चलो शिव भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था, दर्शन करने बहुत अच्छा हो गया। चलिए यहाँ से निकला जाए, ओके। रास्ते में ना कोई फोर्ट है, जिंजी फोर्ट, ये देखो इधर, इसका ना ड्रोन से वीडियो बनाता हूँ नीचे से।
पता नहीं यार क्या क्या हो रहा है। देखो बेचारा रो रहा है, मुझे लगता है रेड लाइट दिखा रहा है। ये मैंने उसको ऊपर भेजा काफी उधर की साइड, ठीक है वहाँ। अब इसकी क्या हुई ना, ये वहाँ पे जाके जहाँ वो गाय हैं वहाँ इसकी लोकेशन लॉस्ट हो गई। अब मैं देख रहा हूँ यार पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई मैं वहाँ गायों के पास ढूंढ रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है एक लास्ट लोकेशन, सारा देख लिया मैं उधर। मैंने कहा चलो एक बार, एक इसमें ऑप्शन होता है कि ऑटोमेटिक अगर सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो होम पॉइंट पर आ जाता है, तो मैंने कहा चलो वापस एक बार जाके देख लेता हूँ घूम के, क्या पता है मैं यहाँ के देखा तो कुछ था ही नहीं। पर जैसे ही मैं यहाँ पे आया ना तुरंत ड्रोन नीचे आ गया। ओ भाई इतना रिलीफ मिला ना मेरे को, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मैं कह लो इतना मूड ख़राब हो गया था, मेरे को लग रहा था यार अब तो वापस ही चलते हैं। अब मंदिर में मोबाइल ले लिया, यहाँ ड्रोन खो गया भाई, 60,000 का नुकसान हो जाता, बहुत बच गए। शिट मैन, चलो फोर्ट के चक्कर में ड्रोन ही गायब हो जाता, पर अच्छा फीचर है यार वापस आ गया, और यहीं आके ऊपर उड़ रहा था ये। शिट, चलो कोई नहीं निकलते हैं अब यहाँ से। भाई अभी टाइम हो गया है 3:12 और मैं चल चुका हूँ 312 किलोमीटर और अभी भी 40 किलोमीटर बचा हुआ है, 38 मिनट टाइम पेंडिंग है। यहाँ पे रुका हूँ, खाना खाता हूँ यहाँ पे, लंच करता हूँ और लंच करने के बाद फिर निकलते हैं। वैसे पौंडीचेरी जाके ना एक बार पहले तो अपने लिए रिजॉर्ट देखना है, रुकने का करना है क्योंकि मैंने कुछ बुक नहीं किया हुआ, और उसके बाद फिर रॉक बीच वगैरह घूम लेंगे आज एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो बाकी कल थोड़ा बहुत देख के फिर वापस बेंगलोर। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या खाने के लिए। मिनी मील्स ऑर्डर किया है मैंने अपने लिए, बस आने वाला है। उत्तरी गन पाउडर और ये घी है। ओके घी 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 गन पाउडर यहाँ मिल गया मेरे को। भाई पैर सीधे करके बैठा हूँ यार, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप बस मोस्टली खाना अच्छा ही होगा। इसमें है थोड़ा सा राइस, पायसम मेरे को बहुत टेस्टी लगी इसलिए मैंने एक कटोरी और मंगा ली। भाई कॉफी ले ली बट गाड़ी में बैठ के पीऊंगा, स्ट्रॉन्ग बनवाई है मैंने ताकि नींद वींद का कुछ ऐसा फील ना हो, आलस भी नहीं आना चाहिए गाड़ी चलाते टाइम। यहाँ पे वो भी है इलेक्ट्रिक का स्टेशन भी, इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। पहले यार गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर लिया जाए। इनसे पेट नहीं भरता बट हाँ सपोर्ट मिल जाता है थोड़ा, अगर कहीं खाने को ना मिले। अंदर होटल में ठंडा हो रखा था। मैं देख रहा हूँ कैमरा किधर गया। Head southwest toward National Highway 179B, National Highway 32. ठीक है बिल्कुल पहुंचा गई, शांत होगी क्या? इसका पहले टैटू दबाऊं मैं। कहाँ पे भाई? इसका मुंह बंद किया जाए पहले। अबे क्या चल रहा है? पता क्या होता है, इतना तो मैं गोवा जाते हुए नहीं थका जितना यहाँ थक गया, और उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न ये है कि इरिटेशन जब होती ना उससे ज़्यादा थकता आदमी। वह यार मक्खी तू और आ जा इरिटेट करना है, तेरी कमी थी, वरना तो सिर्फ ड्राइव ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं होती। पर चलो ठीक है, एक्सपीरियंस है, सब काफी कुछ सीखने मिला। भाई मंदिर अंदर में जाओ, मोबाइल एकदम जेब में डाल लो, बाहर निकालना ही मत बिल्कुल।
बिल्कुल भी नहीं, तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर तुम बहस करते रहो क्या बोलोगे। उनका पॉइंट भी ठीक है बट सुन तो लो। चलो भाई कॉफी की चुस्की सुनाई दे रही होंगी। In 50 meters, turn left onto National Highway 179B. National Highway. Shut up. टैटू अभी से दिया गया है। एकदम ऐसी कॉफी बनाई है, एकदम आके खोल दी। ये तो मुझे लगता है रात में भी नींद डिस्टर्ब ना कर दे। कहीं रात भर आंख खोल के बंदर किधर बैठा हूँ। एक चीज बहुत सही लगी मेरे को इस ट्रिप पे, बस एक ही चीज अभी तक, रोड बहुत सही है। रोड की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और एक जगह भी मेरे को ऐसा फील नहीं हो गया रोड खराब है, इतने सही रोड बने हुए हैं ना। सिंगल रोड था पीछे तक, ये तो अभी डबल दिखा रहा है, डबल है यहाँ पे, बट सिंगल रोड ही बहुत अच्छा था। चलिए सर, कॉफी मैंने सड़क सड़क करके फटाफट खत्म कर दी। कॉफी पीते के साथ तो ऐसा हो जाता है जैसे बिल्कुल आंखें एकदम किसी ने आंख को खोल दियो, एकदम चांटे बजा दिए आंखों में। चलो भाई चलो 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 पुडुचेरी। अच्छा इसको पौंडीचेरी बोलते हैं पुडुचेरी बोलते हैं, जहां भी लिखा है वो पुडुचेरी लिखा हुआ है। ठंडी हो जा गाड़ी, धूप आ रही है इधर से राइट साइड से। ओके हमें लेना है लेफ्ट आगे से। लो जी फाइनली पहुंच गए पुडुचेरी। वैसे अभी टाइम हो रहा है 4:30, मैं निकला हूँ सुबह 5:30 बजे, मतलब पूरे 11 घंटे लगे यार मुझे पुडुचेरी पहुंचने में। देखो डायरेक्ट आता तो 6-7 घंटे लगते, बट क्योंकि मैं टेम्पल भी गया हूँ और एक जगह और वो ड्रोन का लफड़ा हो गया था तो उसकी वजह से टाइम लग गया फाइनली, बट चलो पहुंच गए सही सलामत पुडुचेरी। तो भाई साहब इतना कुछ हुआ ना, पहले वो तुम्हारा मंदिर में फोन छीन लिया, फिर मेरा ड्रोन खो गया भाई। चलो कोई नहीं, चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। भाई किसको भेज रहा है मुझे, ट्रक वाले भैया बोल रहे हैं निकलो। उतरने तैयार हो रहा ट्रक से भाई साहब, लड़के का टोरा है भाई टोरा।